अज की इस वीडियो राही असी श्रेणी सत्तवीं विशा भूगोल पाठ नंबर 2 धरती दा अंदरूनी अते बाहरला रूप धरती दा अंदरूनी अते बाहरला रूप दे क्वेश्चन आंसर करांगे अंग्रेजी अते पंजाबी माध्यम दे राही। पहला क्वेश्चन है धरती दे किन्ने खोल हन, हाउ मैनी सेल्स ऑफ अर्थ आर देयर, नेम देम। धरती दे तीन खोल हन, अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 शेल। धरती थल मंडल लिथोस्फीयर, धरती का चापड़ भी कहने असी जां इसनूं सियाल भी कह दिंदे हाँ क्योंकि इस दे विच सिलीकान अते एलूमीनियम की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसनूं सियाल भी कह दिंदे हाँ। मेटल इसनूं सीमा कहिंदे हाँ, इस दे विच सिलीकान अते मैगनीशियम की मात्रा ज़्यादा है। तीजा केंद्रीय भाग नाइफ, इस दे विच निकल अते लोहा लोहे की बहुतात होंदी है, इसनूं असी कोर भी कह दिंदे हाँ। जेकर असी चित्र दे विच देखिए तां जो बाहरला पासा है इह वाला, इसनूं असी धरती का चापड़ जां धरती का लिथोस्फीयर कहिंदे हाँ जां सियाल कहिंदे हाँ। जो इह वाला पासा गा इसनूं असी मेंटल, जो बिल्कुल अंदरला पासा है इसनूं असी कोर कहिंदे हाँ जां नाइफ कहिंदे हाँ। ये पहला क्वेश्चन हो गया धरती दे तीन खोल हन। धरती ते किन्ने प्रकार दीआं चट्टानां पाईआं जांदीआं हन, धरती ते तीन प्रकार दीआं चट्टानां पाई जांदीआं हन, अग्नी चट्टानां इग्नियस रॉक्स, तलछटी जां तहदार चट्टानां सेडिमेंटरी रॉक्स, अते रूपांतरित चट्टानां मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीन तरह दीआं धरती दे उत्ते चट्टानां पाईआं जांदीआं हन। धरती दे मेंटल भाग बारे लिखो, धरती दी उपरली परत दे हेठां जिहड़ी कि धरती दे चापड़ तों हेठां, चापड़ दी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, पर वह मोटाई हर जगह पर बराबर नहीं है। जिस तरह समुद्रां दे हेठ वह मोटाई 7 तों लैके 8 किलोमीटर तक है। जेकर महाद्वीपां दी गल करिए तां उत्थे 35 किलोमीटर है। जेकर असीं पहाड़ां दी गल करिए तां उत्थे वह मोटाई 70 किलोमीटर तक चली जाती है। लगभग जो औसतन है वह 100 किलोमीटर है धरती दे चापड़ दी। तो धरती के चापड़ तो हेठा 2900 किलोमीटर तक मेंटल भाग पाया जाता है। यह सियाल अते मैगनीशियम जिमें कि नाम तो ही पता है, इसनों सीमा दो अखर लते गए हैं, पहला अखर सिलीकान दूजा मैगनीशियम। इस विच मैगनीशियम अते सिलीकान की मात्रा ज़्यादा होने करके इसनों असी सीमा भाग भी कहते हाँ। अगला क्वेश्चन, जेकर असीं चित्र दे राहीं देखिए तां होर क्लीयर हो जांदा कि धरती दी जो सब तो बाहरली परत है, परती जेकर असीं इक कद्दू नूं विचारों कर्द दे नाल चाकू दे नाल लैके कटना शुरू कर दिए तां उह वी परतां दे विच निकलेगा। बिल्कुल उस तरह जो बाहरली परत है उसनूं असीं चापड़ कहिंदे हाँ, जो उस तों अगली परत है उसनूं असीं मेंटल कहते हाँ, जो बिल्कुल अंदरूनी परत है उसनों असी क्रस्ट या नाइफ कहते हाँ। धरती के अंदरूनी भाग में की आखते हैं, यह किड़े तत्तों की बनी हुई है, जिमें कि तुहानू हुणे दस्या कि धरती के अंदरूनी भाग में नाइफ कहते हैं। यह निकल अते लोहा, नाइफ भाव निकल अते फेरस ऑक्साइड असी कहते हाँ लोहे नूं। तो धरती का अंदरूनी भाग निकल अते लोहे दा बनया होया है। धरती नूं भूखोरन तों किवें बचाया जा सकता है, वध तों वध दरख्त लगा के, क्योंकि दरख्त हन वह मिट्टी नूं अपने नाल जकड़ के रखते हन, जिस नाल तां मिट्टी का भूखोर नहीं हुंदा। खेतीबाड़ी दे वधिया ढंग अपना के, जेकर असीं खेतीबाड़ी दे वधिया ढंग अपना लवांगे तां भी मिट्टी दा भूखोर है वह बच सकदा है। पशु चराउणा घटा के, पहला चरागाह हुंदियां सन जिथे पशुआं नूं खुले विच चराया जांदा, जो उह इन्ना ज़्यादा चर जांदे हन कि उत्थे मिट्टी, क्यों जो उस दे उपर घाह फूस हुंदा है उस नूं पशु चर जांदे हन, जो जिस नूं मिट्टी जां घाह हुंदा गा उसने मिट्टी नूं जकड़ के रख्या हुंदा है, पर जदों पशु उस उपरले घाह नूं चर जांदे हन तां मिट्टी नूं जकड़न वाली चीज़ अपने नाल जोड़ के रखने वाली चीज़ नहीं होंगी,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭੌਂਖੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭੌਂਖੋਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਕੇ, ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣਾ ਘਟਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਚਟਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਅਤਿ ਅੰਤ ਅਤੇ ਪਿਘਲੇ ਹੋਏ ਤਰਲ ਲਾਵੇ ਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਠੋਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਅਗਨੀ, ਅਗਨੀ ਭਾਵ ਇਗਨੀਅਸ ਭਾਵ ਅੱਗ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੱਗ ਅੱਗ ਭਾਵ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਗਰਮ ਤਰਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਮਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਹ ਗਰਮ ਤਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਮਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੋਆ ਕੱਢੀਏ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖੋਆ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਕਰ ਬਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਗਮਾ, ਜੋ ਇਹ ਲਾਵਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ, ਇੰਟਰਾਸਿਵ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਾਸਿਵ, ਬਾਹਰਵੇਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਪਰਤ ਹੈ, ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਲਾਵਾ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ, ਗੈਬਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰਵੇਦੀ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ ਮੈਗਮਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਭਾਵ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਗਮਾ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਤਾਲੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਵੇਦੀ, ਦੋਨੇ ਹੋਣ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਪਤਾਲੀ ਭਾਵ ਪਲੇਟ ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੱਧਵਰਤੀ ਭਾਵ ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ, ਮੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾਲੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੈਗਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਅਤੇ ਗੈਬਰੋ। ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਅਤੇ ਗੈਬਰੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਪਾ ਲਿਓ, ਪਲੂਟੋਨਿਕ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ, ਦੀਸ ਇਗਨੀਅਸ ਰੌਕਸ ਫੋਰਮ ਡਿਊ ਟੂ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਹੌਟ ਮੈਗਮਾ ਇਨ ਟੂ ਹਾਰਡ ਸੋਲਿਡ ਇਨ ਏ ਡੀਪ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਐਂਡ ਗੈਬਰੋ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚਟਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾਲੀ ਅਗਨੀ ਚਟਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧਵਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੈਗਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ, ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਤਰੇੜਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਈਕ ਅਤੇ ਸੈੱਲ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮੈਗਮਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਗਮੇ ਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਵੇਦੀ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾਲੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਲੂਟੋਨਿਕ ਰੌਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਲਬਾ, ਜੋ ਲਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਤੀ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਦਾਰ ਚਟਾਨਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ,
हवा, हिम नदी आदि द्वारा ल्यांदी गई समगरी दे नीवियां थावां ते जमा होण नाल बणदियां हन। तहदार भाव तहां दे विच इक परतदार, इक परत दे उपर दूजी परत जम जाती है, दूजी परत दे उपर तीजी, तीजी दे उपर चौथी, इस तरह इन्हां दा निर्माण हुंदा है। नदियां वगैरह जो अपने नाल जो भी समान लियांदियां हन उसनों किसी डूंगी थां ते, डूंगी थां भाव समुंदरा नदियां दे विच जमा करी जांदियां हन। हौली हौली उन्हां दीआं तहां बणदियां जांदियां हन जो बाद दे विच लखां करोड़ां सालां बाद तहदार चट्टानां बन जांदियां हन। जो साडा पेट्रोलियम है, साडा कच्चा तेल है, वह भी तहदार चट्टानां दे विचों ही मिलदा है। ये चट्टानां दो प्रकार दीआं हुंदियां हन, जैविक अते अजैविक। ऑर्गैनिक जो जीव जंतुआं पेड़ पौद्यां दी रहिंद खूंद तों हौली हौली जाके बणदियां हन उसनों असीं जैविक, ते जो बाकी तो बनता है उसनों असी अजैविक चट्टाना कहिंदे हाँ। रूपांतरित चट्टाना बारे लिखो, पहला असी पढ़िया अग्नि चट्टाना, वो धरती के हेठां बनदियां हन, धरती के हेठां लावे के ठंडा होण नाल। जो हड्डियां असी पढ़िया सीगा तहदार चट्टाना, ये तहां दे विच जो नदियां समुंदर वगैरह अपने नाल समान लैके आउंदे ने मलबा, उसनों डूंगी जगह समुंदर नदियां दे विचकार हेठ हौली हौली तहां विच जमा हुई जांदा, जो लखां करोड़ां सालां बाद ये चट्टानां बणदियां हन। पर जो रूपांतरित, रूपांतरित भाव रूप दा बदल जाना, यह चट्टानां अग्नि चट्टानां जां तहदार चट्टानां तों जदों उन्हां नूं बहुत ज़्यादा किसी तापमान के अंदर दबिया जाता है तां यह चट्टानां दा निर्माण हुंदा है। धरती दे ताप अते दबाव दे कारण अग्नि अते तहदार चट्टानां दे रूप विच परिवर्तन आउण नाल बनिया चट्टानां नूं रूपांतरित चट्टानां आखदे हन। धरती दे ताप अते दबाव दे कारण, ताप अते दबाव प्रैशर दे नाल अग्नि चट्टानां अते तहदार चट्टानां, अग्नि भी हो सकदियां ने ते तहदार भी हो सकदियां ने, उन्हां विच जो परिवर्तन आउंदा है उन्हां नूं असीं रूपांतरित चट्टानां कहिंदे हाँ। जिवें कि मूल अग्नि चट्टान है उदों बणदा की है, जिवें ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जदों बहुत ज़्यादा तापमान अते दबाव दे हेठां आ जांदा है तां ग्रेनाइट तो नाइस नेस बनता है। अवरक, जो अवरक बहुत ज़्यादा तापमान अते दबाव दे हेठ आ जाता है तो अवरक तो सिस्ट बनता है। इहदा सी अग्नि चट्टान। तहदार चट्टाना जिवें कि चूना पत्थर, चूने पत्थर तो की बनता, संगमरमर, जो संगमरमर है वह रूपांतरित चट्टान है, सानू सीधा नहीं मिलती वह ग्रेनाइट जा तहदार चट्टान नहीं, सगों तहदार चट्टान दे विच रूपांतर आउण तो बाद संगमरमर बनता है, चूना पत्थर, चूने पत्थर तो अगे जाके संगमरमर बनता है, पीट, पीट तो बनता है कोला। इस तरह ये असी पढ़िया रूपांतरित चट्टान बारे, असी तिन्ना चट्टानों बारे पढ़ लिया है। अग्नि चट्टानों बारे, वो धरती के हेठां लावे के ठंडा होण नाल बनदियां हन, वह अंतरवेदी भी होंदिया हन अते बाहरवेदी भी होंदिया हन, यानी कि धरती के अंदर भी उन्हां दा निर्माण हुंदा है ते धरती तो बाहर भी, क्योंकि जो कई बार लावा धरती के किसी हिस्से, धरती के किसी हिस्से छेक करके बाहर निकल जाता है तो उस तो बाहर वेदी चट्टाना बनदिया हन। जेकर उस तो बाद असी पढ़िया सीगा तहदार चट्टाना वह जो नदियाँ दरियावां के द्वारा जो मलबा लिया जाता है उसनों डूंगे समुद्रां सागरां दे विच जमा करन तो बाद लखां करोड़ां सालां बाद तापमान अते दबाव दे कारण उन्हां दा तहां दर तह दे विच निर्माण हुंदा है। जो साडा पेट्रोलियम है वह भी तहदार चट्टानां दे विचों ही मिलदा है। फिर असीं पढ़िया रूपांतरित भाव रूप दा बदल जाणा, इह अग्नि चट्टानां जां तहदार चट्टानां दे रूप बदल के बनदियां हन, जिवें ग्रेनाइट अग्नि चट्टान है पर इस तो बनता है नीस, अबरक एक अग्नि चट्टान है इस तो सिस्ट बनता है, चूना पत्थर तहदार चट्टान है इस तो संगमरमर बनता है, पीट, पीट तो कोला बनता है। अबरक किस प्रकार का खनिज है, यह किहड़े काम आता है? अबरक एक अतातवी खनिज है, भाव ना यह धातु नहीं है, यह अतातवी है। इसकी वरतों बिजली का समान, रंग रोगन, रडार, रबड़, कागज़, हवाई जहाज़ आदि बनाने विच कीती जाती है। माइका, जिवें कि असीं घर दे विच प्रैसां देखते हाँ, जो प्रैस का मुठा हुंदा है
जिसनू फड़ के असी प्रेस करते हाँ वो अवरक का बनया होंगे है, क्योंकि अवरक ताप रोधी है, ताप रोधक है, अवरक चीज़ नू छेती छेती गर्म नहीं होन दिंदा। ता करके जिथे गर्म चीज़ा ज़्यादा होंदिया ने उत्थे अवरक की वरतों की जाती है, उत्थे अवरक की वरतों की जाती है। चित्र के अवरक देख सकते हो, इस तरह का अवरक कच्ची धांत के रूप में होता है। तरल सोना किसनू आखते हैं, इस बारे जानकारी दो। खनिज तेल या पेट्रोलीयम नू ज्यादा वरतों अते महत्ता करके तरल सोना आखते हैं। यह बनस्पति मरे हुए जीव जंतुओं के परतदार चट्टानों में लिया दब जाने नाल लखां सालों में बनता है। तुहानू दस्या है कि जो तहदार चट्टानां हन वो तहां दे विच जमा हुंदियां हन, ते उन्हां दे विचों ही सानूं पेट्रोलीयम मिलता है। असीं पढ़िया सी वो दो तरह दियां हन, जैविक अते अजैविक। जेकर असीं गल करिए पेट्रोलीयम की, तो पेट्रोलीयम किहड़ा होया, जैविक या अजैविक? तो पेट्रोलीयम जैविक होया, क्योंकि यह जीव जंतु बनस्पति के परत दर परत जमा होने नाल बनता है। जेकर तुहानू क्वेश्चन आ जाए कि पेट्रोलीयम जैविक है या अजैविक, तो पेट्रोलीयम अते कोला भी दोवें ही जैविक हैं। धरती ते मिट्टी दी की महत्ता है, इस दे बारे लिखो। जिवें सानू पता है मिट्टी एक महत्वपूर्ण भूमि साधन है। उपजाऊ मिट्टी देश दी वड्डी संपत्ति हुंदी है। उपजाऊ मिट्टी दे सदका ही भारत इन्नी वसों लई भोजन पैदा कर सकिया है। जिवें कि सानू नाम तो ही पता है, असीं मिट्टी दे विच ही पैदा हुंदे हाँ ते अखीर दे विच मिट्टी दे विच ही मिल जांदे हाँ। साड़ी सारी जिंदगी मिट्टी के उत्ते क्रियावां करते ही लंघ जाती है। मिट्टी तो बिना तो साड़ा जीवन बिल्कुल अधूरा है। मिट्टी तो बिना तो असी किसी चीज़ बारे सोच भी नहीं सकते। असी अपना पेट भरते हाँ, असी जो भी क्रियावां करते हाँ सारिया मिट्टी के विच ही करते हाँ, क्योंकि असी एक दिन मिट्टी के विच ही मिल जाना है। मिट्टी एक महत्वपूर्ण भूमि साधन है। मिट्टी किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जिस देश की मिट्टी उपजाऊ है वो देश सब तो अमीर होगा। साड़ा भारत आबादी के पक्षों दूजे नंबर पर है, तो भारत एड्डी आबादी का ढिड कैसे भर सकता? तो सिर्फ अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण ही। अज असी इस वीडियो के राही पाठ नंबर 2 दे क्वेश्चन आंसर अंग्रेजी और पंजाबी माध्यम राही किए हैं। असी ने 1 to 15 शब्दों वाले और 50 to 60 शब्दों वाले क्वेश्चन कर ले हैं। जो इस तो अगले 1 to 125 शब्दों तक के क्वेश्चन आंसर हैं वो असी अगले वीडियो राही करांगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने करके बच्चे अक जाते हैं। तो बच्चों नू अकन नहीं देना, क्योंकि बच्चों का काम है पढ़ना। जेकर वह अक गए तो फिर की फायदा? इसलिए जो अगला बड़े क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो राही कराए जाएंगे। वीडियो नू बद तो बद शेयर करो, ता जो बद तो बद बच्चों का फायदा हो सके। धन्यवाद।